हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे छोला और मटन। तो देखिए, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी जरूर कर दिया करें। तो यहाँ ली हूँ मैं 1/2 kg ये मटन है और इसे मैं उबाल के रख ली हूँ। अच्छे से ये गल चुका है मटन। और यहाँ मैं ली हूँ 200 ग्राम छोले, तो इसे भी मैं उबाल ली हूँ थोड़ा सा हल्दी डाल के, और ये भी उबल चुका है। और इसी तरीके से मैं मटन और छोले को दोनों उबाल के रख ली हूँ कि हमें बनाने में आसानी हो। तो आप चाहें तो इसी तरीके से रखें या फिर आप कच्चा भी बना सकते हैं। तो यहाँ ली हूँ मैं अदरक और लहसुन, और ये गरम मसाले कुछ ली हूँ मैं। तो ये देखिए, जीरा ली हूँ मैं, मिर्च ली हूँ, इलायची, सौंफ, शाही जीरा थोड़ा सा, जायफल थोड़ा सा, एक बड़ी इलायची, जावित्री और ये लौंग। तो इन सब का मैं पेस्ट बनाऊँगी। अच्छे से मैं इसे पीस लेती हूँ। और ये ली हूँ मैं 3 टमाटर, इसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ अच्छे से, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मिक्सर में पीस ही नहीं सकते हैं। और यहाँ ली हूँ मैं बारीक कटा हुआ प्याज, ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं। तो मैं पतीले में बना रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप से ज़्यादा थोड़ा तेल, राई का तेल है ये। और ये 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची। और मैं इसमें डाल दूंगी ये कटे हुए प्याज, और अच्छे से इसे मैं सुनहरा कलर आने तक भून लेती हूँ। तो आज हमारे घर पर लाइट नहीं थी, इसी की वजह से मसाला भी मैंने सिलबट्टे पे पीसी हूँ, और टमाटर को मैं कद्दूकस की हूँ। तो इसी तरीके से ये सारा तैयार हो चुका है। तो देखिए, प्याज में अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो कद्दूकस करके मैं रखी हूँ टमाटर, इसे भी डाल दूंगी। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और इसमें डाल दूंगी ये पिसे हुए गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग भी। तो ये गरम मसाले, अदरक लहसुन सब मैं इसमें डाल दी हूँ। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखूंगी कि अच्छे से मसाला पक जाए। तो ये मैं पानी इसमें डाल रही हूँ 1/2 गिलास के जितना, और इसका ढक्कन लगा के मैं रखूंगी पकने के लिए। तो देखिए, 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। तो देखिए, मसाला भुन चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी अभी मटन जो मैं बॉईल करके रखी हूँ। तो मटन को मैं ऐड कर दी हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी और 3 से 4 मिनट मैं इसे पकाऊँगी, क्योंकि मटन में थोड़ा सा पानी भी था। तो अच्छे से पानी सूख जाए, ढक्कन लगा के मैं इसे पकाऊँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए, मटन पक चुका है, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी अभी छोले जो मैं बॉईल करके रखी हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग गांव में बनाते हैं ये छोला मटन।
तो ये रेसिपी मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये भी मैं शेयर करूं कि किस तरीके से हम लोग ये बनाते हैं घर पर गांव में। तो ये रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, और हमारे चैनल पे जो नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए ये मैं सब मिक्स कर दी हूँ, छोला मटन अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसमें मैं थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड की हूँ, और इसे मैं रखूँगी 5 से 7 मिनट। तो स्लो फ्लेम पे मैं रख दी हूँ, 7 मिनट बाद मैं आप लोग को फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं हरी धनिया की पत्ती कटी हुई ये भी ऐड कर दी हूँ। तो ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं इसे डिश आउट करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए फाइनल लुक तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है।